नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी देवरिया में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के साथ एक महिला की मारपीट की और उस वक्त के हंगामे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कांग्रेस पर अब तक के सबसे बड़े हमले की, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही विभाजन है, और साथ साथ उस संदिग्ध महिला की जो हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ 4 दिनों तक परिवार बनकर रही और कई बार तो भाभी बनकर मीडिया के सामने आई। चलते हैं खबरों की तरफ। देवरिया में कांग्रेस के टिकट का ऐलान होते ही आज एक महिला कार्यकर्ता ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के साथ हाथापाई कर दी। हाथापाई के साथ ही वहां पर हंगामा मच गया। वो महिला कार्यकर्ता इस बात से नाराज थी कि टिकट एक ऐसे शख्स को इस उपचुनाव के लिए दिया गया है जिस पर महिलाओं के साथ बदसलूकी और प्रताड़ना का आरोप पहले लग चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन नाइक उस कार्यक्रम में मौजूद थे। वो महिला पहले उनकी तरफ बढ़ी और फिर देखते देखते मामला हाथापाई तक आ पहुंचा। बीच बचाव करने में कई लोगों को चोटें आईं और वहां पर जमकर आपस में ही हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरीके से कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी को दूर किया गया, लेकिन हंगामे का पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। उस महिला ने बाद में आरोप लगाया कि जिस शख्स को टिकट दिया गया है उस पर गंभीर आरोप हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर लगातार हमलावर हैं। आज उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके डीएनए में ही विभाजन है वो लोग अब जातियों के विभाजन पर भी उतर आए हैं। इशारा सीधे सीधे हाथरस की तरफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विभाजन इस कदर उनके मन में बैठ गया है कि वो मंदिर निर्माण के वक्त भी दंगा कराने की साजिश रच रहे थे। कुल मिलाकर ये तमाम बातें ऐसी हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस को टारगेट कर रही हैं। पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और उत्तर प्रदेश में अशांति और दंगा फैलाने के लिए विपक्ष को ही आरोपी बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक एक बड़ी साजिश रची जा रही है और उस साजिश में विपक्षी दल भी हिस्सा हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बातों का जवाब दिया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कोरोना से पीड़ित हैं और इस वक्त एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन एम्स के भीतर से ही उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में एक वीडियो है और उस वीडियो में यह दिखाई दे रहा है कि प्रयागराज में एक जगह जहां सुंदरकांड का पाठ एक मंदिर में हो रहा है, वहां एक बानर एक बंदर आता है, आराम से उस पूजा पाठ के वक्त बजरंगबली के उस मंदिर में प्रवेश करता है और भक्तगण उसे बजरंगबली समझते हैं और फिर वहां प्रसाद चढ़ाया जाता है और वो पूजा करता है। ये वो वीडियो है जिसे खुद डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है और कहा है कि उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए जो ये सुंदरकांड का पाठ प्रयागराज में चल रहा था उस वक्त साक्षात बजरंगबली वहां आए। उप मुख्यमंत्री भले ही कोरोना से पीड़ित हैं, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति और धर्मभीरु हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने मंदिर में आए उस बंदर की तुलना बजरंग बली से की और यह भी कहा कि उनकी स्थिति अब बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज में अतीक अहमद के बाद अब निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी भी योगी सरकार के निशाने पर हैं। आज पीडीए ने बकायदा बच्चा पासी के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया। बच्चा पासी छोटा राजन गिरोह का एक गुर्गा बताया जाता है और माना यह जाता है कि मुंबई के कई कांड में उसकी संलिप्तता रही है। मशहूर काला घोड़ा शूटआउट कांड में इसका नाम आया था। इसके अलावा प्रयागराज के भी कचहरी कांड में ये वांछित रहा था। फिलहाल अतीक अहमद के बाद अब दूसरे माफिया सरकार के निशाने पर हैं, जिसमें बच्चा पासी एक बार फिर सरकार के निशाने पर था और उसके आलिशान मकान को आज
जमींदोज कर दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस कांड में पीड़ित परिवार के साथ रह रही एक महिला की खबर सामने आने के बाद से ही एक नई कहानी सामने निकल कर आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एक महिला घटना के दो दिन बाद से ही इस परिवार के साथ रह रही थी और उस महिला के उकसावे के बाद से ही यह पूरा मामला बढ़ा है। दरअसल ये महिला कई दिनों तक परिवार के साथ परिवार का सदस्य बनकर रही। किसी को यह मालूम नहीं था कि वो कोई परिवार के सदस्य नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से आई हुई एक पढ़ी लिखी ऐसी महिला है जो इस वक्त उस दलित परिवार के साथ रह रही है। यह मामला तब खुला जब एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की और परिवार को सहायता और परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के लिए परिवार वालों की गिनती और पहचान शुरू हुई। पता यह चला कि उस पूरे हंगामे के दौरान यह महिला परिवार के साथ थी और कई बार मीडिया से बात करने भी यह महिला परिवार का सदस्य बनकर ही आई थी। लेकिन जैसे ही दबिश बढ़ी, जैसे ही जांच का दायरा परिवार और उसके आसपास के लोगों तक पहुंचा, ये महिला वहां से निकल गई। कौन है ये महिला, आखिर इसका क्या रोल है, अब सुरक्षा एजेंसियां इस जांच में जुटी हैं। लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये पढ़ी लिखी महिला जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये उस पीड़ित परिवार के घर कई दिनों तक रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस महिला ने उस परिवार को काफी कुछ भड़काया और उकसाया, जबकि महिला के मुताबिक वो इस परिवार को मदद करने आई थी। न सिर्फ उसने आर्थिक मदद की बल्कि इस गरीब परिवार को समझाया बुझाया और लड़ाई कैसे लड़ें इसकी भी तैयारी की। बताया ये जा रहा है कि जब से सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच तेज की है तब से राजकुमारी बंसल गायब है। हालांकि अब वो जबलपुर में सामने आई है और खुद को किसी तरीके के नक्सली कनेक्शन से अलग बता रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और अब जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना का सूरत हाल। पिछले करीब डेढ़ हफ्तों से लगातार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आ रही है और आज ये घटकर 40,210 तक पहुंच गई। 10 दिन पहले तक ये आंकड़ा 56,000 तक जा चुका था, लेकिन अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की तादाद कम होती जा रही है, ये राहत भरी खबर है। पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में कोरोना से हुई है, जबकि मरने वालों का कुल आंकड़ा 6,353 तक पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कुल 3,099 लोग कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 4,063 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घरों को गए हैं। तो ये था हमारा कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे आप देख रहे थे हमारा विशेष न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।